हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई, इंडियन एवियशन आर डबल ए तथा एमआर एवं इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी तथा डीबी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं 2017 से लेकर 2020 तक, उन सारे क्वेश्चंस को मैं आप तक लेकर आऊँगा। और इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट इंग्लिश के जितने क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ में जीके का भी। लेकिन इस सीरीज़ में हम लोग केवल इंग्लिश का सिनोनिम इस डिस्कस करेंगे और ये बिल्कुल 100% आपको रियल क्वेश्चन मिलेंगे। आपको वहीं पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हो। तो इसमें मैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आप तक लेकर आऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम हैं जो कि एग्ज़ाम आपके पूछे गए हैं 2017 से लेकर 20 तक, इसमें लगभग आपको 200 सिनोनिम मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बस ध्यान से इसको एक बार देखना है और देखकर एक बार रिवीजन करना है दोबारा, और ये आपको हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद जाएगा। इसमें आपको ट्रिक बताऊँगा, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें आपका देखिए पहला क्वेश्चन से यहाँ पे पहला वर्ड है राइट। राइट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? करेक्ट। राइट में क्या होता है? सही। ठीक है, तो ये बहुत इजी था। करेक्ट, फैक्ट, रियल और ट्रू, ये क्वेश्चंस आपके नेवी एमआर में पूछा गया है। ये बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस ये देखिए आपको इजी एग्जाम पूछे जाते हैं, आप उसको डिफ़िकल्ट बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कोई टफ नहीं आता, आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए। दूसरा आप क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे जेनुइन का होता है आपका सिनोनिम हो जाएगा रियल ट्रू। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे इफिशियंट का हो जाएगा आपका रियल। इफिशियंट मतलब क्या होता है? एबल मतलब आप सक्षम हैं, उस काम को करने में सक्षम, उसको हम क्या कहते हैं? इफिशियंट कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा? कैपेबल, एबल। अगला वर्ड है डिजीज़। डिजीज़ का मतलब क्या होता है? रोग, आप सभी जानते हैं। डिजीज़ का यहाँ पे हो जाएगा इलनेस। देखिए ये क्वेश्चन आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के डोमेस्टिक ब्रांच में पूछा गया है और समझिए कि ये बहुत ईजी था। इसमें आप तो मतलब कोई बच्चा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतना टफ वर्ड नहीं है, तो ये इसको आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसलिए आप डरे नहीं, मैं आपको रियल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ रहे हैं, कैसे आते थे और अभी कैसे आ रहे हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस को आप देखिए, इसी में हम सिनोनिम के बात करूँगा। अगला इसमें वर्ड है ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है बहुत जल्दी, फास्ट। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्विक। ठीक है, अच्छा इसका एक और सिनोनिम होता है हरी, मिस क्या होता है? फास्ट होता है। फास्ट मिस भी तो फास्ट ही है, और हैस्टी मतलब ही क्या होता है? जल्दी होता है। तो यहाँ पे देखिए ब्रिस्क के चार सिनोनिम को पता हो गया, क्विक, हरी, फास्ट और हैस्टी। देखिए मैं यहाँ पे एक वर्ड के चार सिनोनिम दो सिनोनिम बता रहा हूँ। इस तरह से अगर आप इस वीडियो में अगर 20 क्वेश्चन करते हैं तो आपको 20 चौका 80 मतलब आपको टोटल 60 से 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन तक आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं, उतना वर्ड आपको पूरा याद हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए 6 में आते हैं, यहाँ पर कंडोन है। कंडोन मतलब होता है नज़रअंदाज करना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा ओवरलुक। ठीक है, आते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन है सडेनली। सडेनली का मतलब क्या होता है? अचानक। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एब्रूटली। इसका क्या हो जाएगा? एब्रूटली। ठीक है, तो आते हैं अगला देखिए क्वेश्चन आपका आठ नंबर में है एसिड। एसिड मीन क्या होता है? स्वीकारना मतलब सहमत होना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्री। ठीक है, 10 नंबर वर्ड है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट जो है मतलब होता है आपका, ये देखिए ये एयरफोर्स में पूछा गया है, एयरफोर्स ग्रुप वाई में पूछा गया है। एक्यूमुलेट इसका मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, इकट्ठा हो। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? गेदर, कलेक्ट और अमास। अमास का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। कलेक्ट मिस होता है इकट्ठा करना और गेदर मिस होता है इकट्ठा करना। एक वर्ड के आपके तीन सिनोनिम हो गए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया। अगला है फैटल। फैटल में होता है आपका होता है खतरनाक। ठीक है, मारना। इसका सिनोनिम हो जाएगा किल। किल में होता है क्या? मारना। हार्मफुल मतलब हानिकारक, खतरनाक और डेंजरस मतलब होता है खतरनाक। तो यहाँ पे फैटल देखिए ये वर्ड आपको इंडियन नेवी का जो एग्ज़ाम होता है SSR उसमें पूछा गया है। बहुत इजी वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपको 2018 में पूछा गया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2017 से लेकर 20 तक जितने भी सिनोनिम के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो इंडियन कोस्ट गार्ड के हों, चाहे इंडियन नेवी के हों, चाहे इंडियन एयरफोर्स के हैं, उन सारे को मैंने एक जगह कंपाइल किया है और उस तरह से मैं आपको सीरीज वाइज इसको इसमें लेकर आ रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने। मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल से दोस्तों इस सारे क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया हो, तो प्लीज़ इसका लाभ ज़रूर उठाएँ
और आप जब एग्ज़ाम बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सीरीज़ की कितनी महत्ता है, बिकॉज इसमें वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। फालतू चीज़ जो पढ़ने के लिए तो बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको वही करा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वही पढ़ना है जो कि आपको एग्ज़ाम में आते हैं। यहाँ पर देखिए, आप बहुत समय का क्या होता है, आप देखिएगा पेपर जब आप देने जाइएगा तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। समझिए कि अगर आप ये चीज़ पढ़ रहे हैं जो मैं करा रहा हूँ, अगर इससे क्वेश्चन रिपीट होता है आपके लिए कितनी अच्छी बात होगी, जब पहले पढ़ चुके हैं एक बार तो आप सियोरली 100% को सही करके आएंगे, ठीक है। अगला वर्ड है यहाँ पे गार्ड। गार्ड मतलब रक्षा करना, इसका होता है प्रिजर्व, डिफेंड और हेल्प एड। ये देखिए, गार्ड का रक्षा होता है, प्रिजर्व मीन्स क्या होता है रक्षा करना, डिफेंड मीन्स क्या होता है रक्षा करना, और हेल्प मीन्स बताइए हेल्प मीन्स सहायता करना, और एड AID इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रक्षा करना, गार्ड रक्षक, ठीक है। तो इससे संबंधित ये चार वर्ड मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। अगला वर्ड है रूल। रूल मीन्स क्या होता है शासन करना, ठीक है। तो इसका रूल क्या होता है गवर्न। अच्छा, इससे गवर्न से बना है आपका गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो स्टेट में या सेंटर में क्या करती है शासन करती है, तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं रूल मीन्स क्या होता है गवर्न मतलब शासन करना, ठीक है। अगला वर्ड है ट्रैप। ट्रैप मीन्स क्या होता है फंस जाना, ये बहुत ईजी वर्ड है और ये आपको नेवी MR में पूछा गया है। तो ट्रैप जो है वो ट्रैप, यहाँ पर देखिए फंस जाना, तो इसका हो जाएगा कैप्चर मतलब पकड़ लेना, फंसा देना, तो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा ऐप ट्रैप का सिनोनिम। अच्छा, इंडल्ज भी होता है आपका फंस जाना, ठीक है। तो इंडल्ज भी हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। अच्छा, एक और होता है कीज में होता है फंस जाना, और नेट में होता है फंस जाना, नेट में एक और होता है जाल, उससे आप कनेक्ट करके बताइए कि जाल में क्या होता है। जाल में हम लोग मछली क्या करते हैं, मछली उसमें आकर फंस जाती है, तो नेट का काम क्या होता है उसको फंसाना। अच्छा, उसके बाद आपका आप ही अगला वर्ड है नेव। नेव का मतलब क्या होता है सिंपल साधारण, इसका हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी, ठीक है। यहाँ पर जगह सिंपल, तो इसका एक और सिम होता है आप याद रखिएगा ऑर्डिनरी क्या मतलब क्या होता है नेव। नेव ऐसे क्या हो जाएगा ऑर्डिनरी भी हो जाएगा, और सिंपल तो दिया ही है। चलते हैं अगले पर। अगला है काइंड। काइंड मीन्स क्या होता है दयालु, उसका सिम क्या हो जाएगा जेनरस, ठीक है। ये आपका इंडियन एयरफोर्स ग्रुप X में पूछा गया है, ठीक है। और अगला चलते हैं, अगला है आपका जॉय। जॉय का सिम क्या हो जाएगा हैप्पी, ठीक है। ग्लैड मीन्स क्या होता है आनंदित खुश होना, ठीक है। रिजॉयस का मतलब क्या होता है आनंदित होना, और प्लेजर तो जानते ही, यहाँ प्लेजर मीन्स क्या होता है खुशी। तो यहाँ पे जॉय का सिनोनिम चार सिनोनिम को बताया, हैप्पी ग्लैड रिजॉयस प्लेजर। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ इस सीरीज को आप बिल्कुल पूरे दिल से पूरे जान से इसमें लग जाइए। इस सीरीज में मैं आपको इतना कुछ करा दूंगा कि इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। आई एम श्योर 100% श्योर, बिकॉज मैं वही करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और उसी बेस पर हैं, ठीक है। चलिए अगला है आपका रेज, ठीक है। रेज मतलब होता है विनाश करना, तो यहाँ इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय, ठीक है। और फिनिश मीन्स क्या होता है समाप्त करना, और किल मीन्स क्या होता है समाप्त करना मतलब मार देना। तो यहाँ पे रेज के तीन सिनोनिम आपको मैंने आपको बताया, डिस्ट्रॉय आपको एग्जाम में रेज पूछा गया था, इसका ऑप्शन दिया था डिस्ट्रॉय, लेकिन मैंने आपको फिर साथ में फिनिश भी बताया और किल बताया। तो जो भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम लगेगा हमको वो मैं साथ में इसमें एडअप कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, ठीक है। अगला है आपका 90 नंबर हेल। हेल मीन्स क्या होता है स्वागत करना, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा वेलकम, ठीक है। ये बहुत इजी था, ये आपको एक्चुअली में इंडियन कोस्ट गार्ड के GD में पूछा गया था, तो ये भी बहुत इजी था, आप कर सकते कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे भी इंग्लिश इजी ही आती है इंडियन कोस्ट गार्ड में, आपने देखा भी अगर एग्ज़ाम दिया है तो, ठीक है। अगला है आपका 20 नंबर, यहाँ पे आइडल। आइडल मीन्स क्या होता है लेजी, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा लेजी हो जाएगा, ठीक है। और लेजी ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा स्लगिश भी, मतलब क्या होता है ऐसे लगी सी में क्या होता है, और लेगार्ड, तो लेगार्ड में क्या होता है लेजी। तो यहाँ पर देखिए आइडल इसका मतलब मूर्ख भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेजी स्लगीस लेगार्ड ये सब इसे क्या सुनने में। अच्छा, एक और होता है आइडल का, एक और स्पेलिंग देखिए IDEAL, इसका मतलब होता है आपका आदर्श, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, इस स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसका ध्यान रखिएगा। वो ये है IDEAL, ठीक है। और वो क्या होता है IDEAL, तो उसका मतलब आदर्श होता है, उसका मतलब क्या होता है मूर्ख, ठीक है। लेजी स्लगिस लेगार्ड। तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर बोलता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो मैंने बहुत मेहनत की है इसको कलेक्ट करने में, बनाने में। तो प्लीज़ अगर आपको रियल में अगर डिफेंस ज्वाइन करना है, अगर इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है, इंडियन नेवी ज्वाइन करना है, और इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करना है, अगर आप चाहते हैं देश की सेवा करने के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए
और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी एक सपोर्ट मिले। और सही बात है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको इससे भी ये मैं सीरीज चला रहा हूँ, इस सीरीज़ को मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन इस वजह से रुके। ठीक है, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा, प्लीज़ बस आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसे पूरा बेनिफिट उठाएं। मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगर आपने इस सीरीज़ को ऑनेस्टली फॉलो किया तो एग्ज़ाम में इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स का हो, चाहे इंडियन नेवी का हो, चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड का हो। एक्चुअली में होता क्या है कि जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे होते हैं ना, जैसे जो क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं तो क्वेश्चन वही रहते हैं, उसको बस क्या कहता है उसके ऑप्शंस को चेंज कर जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई एग्ज़ाम 2017 में हुआ है तो उसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो 19 में 20 में पूछे भी गए, मैं आपको इसमें दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन करना ही चाहिए, बिकॉज आपको एक पैटर्न पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ऐसे आप तो हमेशा ये करते हैं कि नहीं हम आप डिफ़िकल्ट पढ़ के चल जाएँ और डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में आए नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा है पढ़ने से। आप वहीं पढ़े जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, जिससे आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके। तो मैं आपको यही चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके और मैं उसके लिए प्रयास भी कर रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको अगर मैंने आपके लिए इतना अच्छा मेहनत किया तो आपका क्या मेरे लिए कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है। प्लीज़ दोस्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे भी अगर वीडियो मैं लाऊं, और मैं लाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो, और साथ में मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो यही बातें थी जब मुझे आपसे कहनी थी, और साथ में मैंने आपको ये सिनोनिम जो कराया उसको प्लीज़ रिवाइज करें। दोस्तों, आप एक मुझ पर विश्वास करके चलें, आपको इस वीडियो का, इस सीरीज़ का फ़ायदा तब लगेगा जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और आपको जब क्वेश्चन आने लगेंगे, लगेगा कि मैंने इसे पहले से कहीं पढ़ रखा है, तब आपको इस वीडियो का इम्पोर्टेंस, इस सीरीज़ का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। तो प्लीज़ बिलीव मी, इसको आप 100% एफर्ट के साथ मेहनत करें। थैंक यू।